हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जितने वीडियोस बनाए हैं उस पे बेस्ड अभ्यास ऐप के क्वेश्चंस। अभ्यास ऐप के क्वेश्चंस इसलिए इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि लॉकडाउन या पैंडेमिक की वजह से बच्चे ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो जो एक क्वेश्चन बैंक रिलीज किया जाए जिसमें से पेपर बनाया जाए। इसलिए मुझे लगता है एक डेप्थ एनालिसिस अभ्यास ऐप के क्वेश्चंस का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वेरी। तो मैं टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहा हूँ, तो अभी हाइड्रोकार्बन के सारे अभ्यास ऐप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर जीओसी आइसोमेरिज्म, तो ये टॉपिक हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो फर्स्ट एसिटाइलिन, पहला क्वेश्चन है एसिटाइलिन कैन बी ऑब्टेंड बाय द रिएक्शन। और हम सिर्फ रिएक्शन को याद या ऑप्शन पे पहुंचने की बजाय एक एक ऑप्शन को समझने का प्रयास भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे चारों ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल HCOOK का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इट इज अ नेम रिएक्शन कॉल्ड एज कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। ये एक नेम रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस होता है। और कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में ऑब्वियसली ए ए के पास जाता है, सी सी के पास जाता है। एनायन का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब एनायन पे एनोड, एनोड पे सॉरी एनोड पे एनायन जाएगा और कैथोड पे कैटायन। तो HCOO- यहाँ ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होके जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट विल फॉर्म HCOO डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल। जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके फ्री रेडिकल बनाया, उसके बाद यहाँ से CO2 गैस ये अपने इलेक्ट्रॉन से एक इधर डोनेट करेंगे और क्या रिलीज होगा, CO2। तो यू कैन इजिली प्रिडिक्ट, अब मैं रिएक्शन का नाम आपको याद हो गया है, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस है, तो अब हम इजिली लिख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला है। फिर आपको ये भी समझ आ गया कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन रहा है। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल दूसरे दो मॉलिक्यूल्स होंगे और दूसरे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल से कंबाइन होगा एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस। देन वाटर, अब आपके पास के पॉजिटिव है जिसका कुछ नहीं होना है। अब सिर्फ वाटर ही एक ऐसा सॉल्वेंट में मॉलिक्यूल बचा हुआ है, ध्यान से सुनो, वाटर ही सॉल्वेंट में एक ऐसा मॉलिक्यूल बचा हुआ है जिसका रिडक्शन पॉसिबल है, क्योंकि एनोड पे इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। पहले भी मैंने बोला था ए के पास ए जाएगा, एनायन एनोड पे जाएंगे। नाउ अब वाटर का जब रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पे दोनों ही तरीके से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, चाहे फ्री रेडिकल मान लें, वाटर का रिडक्शन। सॉल्यूशन में OH- बचा जो K से कनेक्ट होके KOH बना रहा है। तो दीज आर प्रोडक्ट। ये भी एक कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज हम जनरली HCOK का या पोटेशियम फॉर्मेट का इलेक्ट्रोलिसिस पे ध्यान नहीं देते। CH3, ये एक लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। CH3 के अगर दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो इट फॉर्म CH CH एसिटाइलिन प्लस 6 AgI। लर्न दिस रिएक्शन, ये लैब प्रिपरेशन कह सकते हो या केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन कह सकते हैं, कि डायरेक्ट प्रिपरेशन है एज सच, तो इसे याद करिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। इथेनॉल कॉन्क H2SO4, ये हमने डिहाइड्रेशन वाले वीडियो में डिस्कशन किया था, इट विल फॉर्म इथीन। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हमेशा क्या बनाएगा, इथीन बनाएगा। बेरिलियम कार्बाइड पे अगर वाटर डाला है हमने, तो आप चार्ज बैलेंस करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेरिलियम पे +2 चार्ज होगा तो 2 बेरिलियम पे -4 चार्ज होगा। तो यू कैन इजिली फॉर्म, आप इजिली सोच सकते हो कि सी के पास वाटर का पॉजिटिव पार्ट जाएगा H+, और बेरिलियम के पास वाटर का नेगेटिव पार्ट जाएगा OH। तो यू विल गेट 2BeOH होल ट्वाइस। नाउ क्वेश्चन था एसिटाइलिन हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो एसिटाइलिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। तो क्वेश्चन इज वेरी इजी, बट चारों ऑप्शंस का डिस्कशन भी इंटरेस्टिंग है, ये भी क्वेश्चंस के लिए आपका अप्रोच डेवलप करेगा। नाउ आप सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, इन द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए अभी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का वीडियो मैंने डिटेल में बनाया, वहां देख सकते हैं। इधर जस्ट मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है इसमें प्रोडक्ट बनता है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग।
एंटी मार्कोनिकोफ्स मतलब अगर मेरे पास क्वेश्चन में प्रोपीन मेंशन है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपके लिए, इन द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन विद डायबोरेन हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड एनएओएच प्रोडक्ट फॉर्म इज, जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। तो प्रोपीन का अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो लर्न होना चाहिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से एल्कोहल बनता है और एल्काइन के केस में एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, तो एल्कीन देने वाला एल्कोहल, लेकिन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ्स रूल होगा। योर आंसर इज प्रोपेन वन होल। इसका आंसर क्या होने वाला है? प्रोपेन वन। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिएक्शन बिलो। नीचे जो रिएक्शन गिवन है इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब आप देखिए अल्कलाइन KMnO4, इसमें जो बात आपको याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, ये आपको बस क्या याद रखना है, अल्कलाइन KMnO4 का जो एडिशन होता है सिन और एंटी, तो आपको लर्न रखना है इट फॉलोज सिन एडिशन, सिन एडिशन फॉलो करता है। और जो आपको एल्कीन गिवन है इट इज योर सिस एल्कीन, सिस एल्कीन आपको गिवन है, तो इसके लिए आपको रूल याद रखना है, कार रूल बोलते हैं। सिस का एंटी एडिशन होता है तो रेजमिक मिक्सचर बनता है, सी फॉर सिस, ए फॉर एंटी एडिशन, आर फॉर रेजमिक मिक्सचर। अब आपको उसका अपोजिट सोचना है, सिस का अगर सिन एडिशन होगा तो क्या मिलेगा? मीजोमर। मतलब ये क्लियर हो गया है कि जो प्रोडक्ट है वो मीजो है। तो आपके पास जैसे ये चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन में से आप फिगर आउट कर लेंगे मीजो वाले ऑप्शन। तो हमारे पास मीजो वाले दो ऑप्शन है ए एंड बी, पी इज अ मीजो कंपाउंड, पी इज अ मीजो कंपाउंड, सी और डी में है पी इज अ रेजमिक मिक्सचर। मतलब पहला तो वो ये आपसे पता लगाना चाहता है कि आप जानते हैं कि सिन एडिशन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको पता चल गया मीजो। अब आपको क्या ये पता है कि ये सिन एडिशन है या एंटी एडिशन है, तो यस यू नो दिस इज अ सिन एडिशन। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? फाइनल आंसर है पी इज अ मीजो कंपाउंड फॉर्म बाय सिन एडिशन। इट इज अ टोटली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, आपको बस ये पता होना चाहिए। तो अब मैं ये नहीं चाहता आप इसी क्वेश्चन को डिस्कस करें, मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन के अलावा और चीजें भी आपको याद, और भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो याद कर सके। तो मैं आपको बोलूंगा जस्ट लर्न दिस स्पेलिंग कार एंड ट्राम। कार मीन्स सिस एल्कीन का अगर एंटी एडिशन होगा तो इट विल गिव यू रेजमिक मिक्सचर। सेम वे ट्रांस एल्कीन का अगर एंटी एडिशन होगा तो इट गिव यू मीजोमर। इसी का रिवर्स आप बना सकते हैं, कार है तो कार से ये क्या हो जाएगा सी एस, एंटी की जगह क्या लिख दिया सिन और रेजमिक की जगह लिख दिया मीजो। ट्रांस में भी आप सोच सकते हैं ट्रांस सिन एडिशन रेजमिक मिक्सचर। इन केस ऐसे मीजोमर्स जिनके सेम ग्रुप अटैच्ड ना हो, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनिएगा इसको। जैसे यहाँ पे OH है, इधर OH है, H, इधर जो कायरल कार्बन है वो सेम ग्रुप से कनेक्टेड है, तो ऐसे मीजोमर जो सेम ग्रुप से कनेक्टेड है, अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होंगे जो कनेक्टेड तो सेम से होंगे बट थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा कि एक ग्रुप डिफरेंट होगा। लेट से यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे क्या आ गया इथाइल C2H5, तो एरिथ्रियो जिसमें दोनों कार्बन सेम ग्रुप से जुड़े होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मीजो, और नहीं तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं एरिथ्रियो, क्या कहेंगे एरिथ्रियो। सेम वे हम आपको बोलेंगे, एक और एग्जांपल आप याद रखिए, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और कायरल कार्बन, ध्यान से सुनना, कायरल कार्बन डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं थ्रायो। बट ऐसे थ्रायो जिसमें दोनों कायरल कार्बन सेम थ्री डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड हैं, सेम थ्री डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड हैं, उसे हम बोलते हैं रेजमिक। अब ये मैंडेटरी तो नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो एल्कीन हो हर बार यहाँ मिथाइल हो, ऐसा भी हो सकता है इसमें मिथाइल की जगह क्या हो जाए इथाइल हो जाए, तब ये जो, इसे आप सिस टाइप मान के करिएगा, तब ये जो सिस होगा ये आपका रेजमिक नहीं देगा, तब वो क्या देगा आपको,
तब ये वर्ड क्या देगा, थ्रायो। अगर दोनों तरफ एल्कीन में कार्बन सेम नहीं है, ध्यान से सुनो, अगर कार्बन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम नहीं है, दोनों तरफ मिथाइल नहीं है, तो वो आपको थ्रायो देगा। कब? जब उसका एंटी एडिशन होगा। और अगर अब उसका सिन एडिशन हुआ तब वो हमें क्या देगा, एरिथ्रायो। क्या देगा? एरिथ्रायो देगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कई बार हमें लगता है मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव, जरूरी नहीं है हर बार मीजो बने। तो थ्रायो, एरिथ्रायो, रेजमिक, ये भी हमें याद होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं क्वेश्चन तो डिस्कस कर रहा हूँ, बट उससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकें। तो याद रखे रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे लिए? थ्रायो एंड रेजमिक इज सेम, मीजो एंड एरिथ्रायो इज सेम। सिस को तो आप समझ ही सकते हैं, अगर अलग ग्रुप होता है, ई और जेड यूज करते हैं, तो उस फॉर्म में जो सिस होता है उस सिस को बोल देते हैं हम, दैट सिस इज कॉल्ड एज जेड, ये भी याद रख लो। और जो ई होता है ट्रांस तरह का, उसको ई बोल देते हैं अगर दोनों तरफ सेम ग्रुप कनेक्टेड ना हो। तो यू कैन से ई का एंटी क्या देगा? एरिथ्रियो। आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी और प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस को, बाकी आगे भी रिपीट बहुत ज्यादा है मैं अभ्यास ऐप में, इसीलिए अभी इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बोलूंगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगेन डिटेल में पढ़ना है तो मेरा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन वाला वीडियो देखिए, नहीं तो सिंपली याद रखिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉलोज सिन एडिशन एंड एंटी मार्कोनिक ऑक्स रूल। सिन एडिशन का मतलब हुआ, यहाँ पे अगर मैं ये मिथाइल ग्रुप को ध्यान दें, आप बहुत ध्यान से देखना, ये मिथाइल ग्रुप पे अगर हम ध्यान देते हैं तो ये मिथाइल नीचे रहेगा और एच ओ एच ऊपर रहेगा, या मिथाइल ऊपर रहेगा और एच ओ एच। कहने का मतलब है एच और ओ एच को सेम साइड आना है। तो अगर हम देखें एच और ओ एच इधर सेम साइड है, और बी ऑप्शन में एच और ओ एच सेम साइड है, बट सी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एच और ओ एच अपोजिट साइड है। अब सर ए और बी में कैसे देखेंगे? अब इसके लिए आपको दूसरी इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए कि ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, एंटी मार्कोनिक ऑक्स। एंटी मार्कोनिक ऑक्स रूल क्या कहता है? कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, या यहाँ पे तो एक जगह हाइड्रोजन है एक जगह नहीं, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पे नेगेटिव पार्ट जाएगा ओ एच का। रीड डेफिनेशन, मार्कोनिक ऑक्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम होता है, और एंटी में जहां ज्यादा होता है। तो जहां ज्यादा है वो सेकेंड पोजिशन है। सो अवर आंसर इज बी। यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? बी। ध्यान से देखो, ओ एच यहाँ पे लगा है उस वाले कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं, और यहाँ वो उधर लगा है जहां हाइड्रोजन है। तो एंटी मार्कोनिक ऑक्स में वही जाता है जहां पे हाइड्रोजन है, नहीं तो वीडियो में मैंने उसमें डिटेल लिखा है, यहाँ मैं सिर्फ क्वेश्चन का ही डिस्कशन कर रहा हूँ, नहीं तो ये भी लेंदी वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगेन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीवियस ईयर एंड एज वेल एज नीट एंड मेंस, दैट्स व्हाई मैंने उसका वीडियो बनाया है डिटेल में। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या देगा? सेम प्रोडक्ट किस में नहीं देगा? तो अब आप देखिए, जहां पे सिमेट्रिकल एल्कीन होगा या दोनों कार्बन पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप होंगे, वो तो ऑलवेज सेम प्रोडक्ट देंगे। मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमेशा सेम प्रोडक्ट देगा, चाहे आप हाइड्रेशन करिए। देखिए अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कौन सा रूल फॉलो होता है? एंटी मार्कोनिक ऑक्स। ऑप्शन में कौन सा फॉलो होता है? मार्कोनिक ऑक्स रूल एज वेल एज रीअरेंजमेंट। क्या फॉलो होगा? मार्कोनिक ऑक्स रूल एज वेल एज रीअरेंजमेंट। तो अगर कोई एल्कीन ऐसा है जिसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, तो वहां रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे दोनों में से कुछ भी हो जाए, प्रोडक्ट क्या होगा? सेम। बट फर्स्ट केस में, हाइड्रेशन वाले केस, अगर आप हाइड्रेशन करेंगे तो ओ एच लगेगा यहाँ पे, रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ हाइड्रेशन होने पे। और अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा, अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो उस केस में ओ एच लगेगा यहाँ पे, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। ओके, तो आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे बाय एलिमिनेशन मेथड या बाय कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें समझ आता है आवर आंसर इज ए, ये डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे, बाकी सभी क्या देंगे? सेम प्रोडक्ट। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कौन सा सेम प्रोडक्ट नहीं देगा, तो सेम प्रोडक्ट कौन नहीं देगा? ए।
बी सी डी सारे सेम प्रोडक्ट देंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है, जो वीडियोस बनाए हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसे अटेम्प्ट करिए वीडियो रोक के, और फिर उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं वीडियो को, ना लेंदी करते हुए मैं 5 या 15 से 20 मिनट का वीडियो रखूंगा, और अगर लेंदी वीडियो बनेगा तो उससे बेटर मैंने सोचा 15-20 मिनट, 5-7 जितने क्वेश्चन हो जाए वो करेंगे। थैंक यू।